तो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आई होप कि यह कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको आना चाहिए। तो ये पार्क हैज रेडियस 10 मीटर, मतलब ये पार्क है, ये रोड है, यहाँ से ऐसे रोड आया है, ठीक है ना। तो रोड हॉरिजेंटल था पहले और यहाँ आके इंक्लाइंड हो गया है, ठीक है ना। थीटा डिग्री हॉरिजेंटल से ये हो गया है, तो ये यहाँ से रोड ऐसे है, तो ये एंगल कुछ थीटा डिग्री है, तो ये एंगल कुछ थीटा डिग्री है पार्क का यहाँ से। तो ये जो रेडियस है, वह रेडियस जिसमें गाड़ी मुड़ रही है भाई, ये सर्कुलर पाथ जिसमें गाड़ी मुड़ रही है, ये वाली रेडियस है, उसकी वैल्यू कितनी है। उसकी वैल्यू रेडियस है 10 मीटर, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, आप ऐसे देख रहे हो कि अगर ये बैंक है, रोड है, बैंक है, तो अगर ये रोड बैंक है, यहाँ से उधर से गाड़ी आ रही है बोर्ड के अंदर से, तो ये रेडियस है, इस रेडियस में गाड़ी मुड़ेगी, और ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रेडियस 10 मीटर है और एवरेज स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। तो इस 18 किलोमीटर को मैं 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यह जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो मज़े की बात यह है कि इतनी अपनी रेडियस आ गई, इतनी स्पीड है। व्हाट इज़ द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, तो ये थीटा कितना होना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन करनी है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखो, तो बेसिकली तुम अगर देखोगे यहाँ से, तो डायरेक्ट हमें फार्मूला याद है कि टेन थीटा में आरजी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंडर रूट कर देते हैं, तो मैक्सिमम जो मुड़ने की स्पीड है वो निकल जाती है यहाँ पे, ठीक है। वी ऑलरेडी रिमेंबर दिस फार्मूला। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर, और डिवाइड कर दूं यहाँ आरजी से, तो मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, 5 × 5 और डिवाइडेड बाई 10, और रेडियस है इसका भी 10 है, तो रेडियस है 10 है, तो ये कट जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 इनवर्स 1/4। दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इतना थीटा होना चाहिए, अगर आप इतनी 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से मुड़ोगे तो आपको थीटा इतना रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज इससे कम या ज़्यादा हुआ तो आप स्लीप कर जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम में समझ आ गया होगा। बच्चों, ऐसा कंटेंट बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।